तो सच में ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही रियलिस्टिक गेम मुझे लगा। एंड गाइज, अगर आप इसे खेलना चाहते हो तो कैसे खेल सकते हो, तो एंड ये गेम कैसा है, इसकी हर एक एक चीज़ डिटेल एंड इसके अपडेट क्या होने वाले हैं, मैं सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कर देना ज़रूर गाइज लाइक, और चैनल को गाइज ज़रूर कर देना सब्सक्राइब। बाकी अगर बस के इस गेम के इंटरफेस की बात करें, तो जैसे ही आप बस के गेम को ओपन करते हो तो इसमें आपको मिल जाता है गैरेज। एंड गैरेज की बात करें तो इंडियन फील वाला पूरा गैरेज आपको मिलने वाला है। अभी तो ये बेटा वर्जन है, मतलब अभी लॉन्च ही हुआ है, अभी इसमें और बहुत सारे अपडेट्स आने बाकी हैं। तो इन फ्यूचर जैसे जैसे अपडेट आएंगे तो मैं आपको वो अपडेट भी बताते रहूँगा एंड आप इसके बारे में देखते रहोगे। एंड आप इसे बाकी ट्विटर में और इनके यूट्यूब चैनल में फॉलो कर सकते हो, तो आपको वहाँ पर भी अपडेट मिलते रहेंगे, बाकी मैं भी आपको अपडेट देता रहूँगा। तो गाइस, अगर गेम की बात करें तो गेम आप देख सकते हो, गेम दिखने में आपको एक नंबर और एकदम रियलिस्टिक मिल जाता है। एंड एंड्रॉयड पर्पस मैंने ऐसा गेम इतना रियलिस्टिक अभी तक तो कोई देखा नहीं बस सिमुलेटर में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इंडिया की साइड से ऐसा सिमुलेटर गेम आया जो कि लुक्स जिसके इतने रियलिस्टिक है, लाइक यूरो ट्रक सिमुलेटर। पूरा यूरो ट्रक सिमुलेटर नहीं है, बट तभी भी काफ़ी हद तक ये वैसा लगता है दिखने में, चलने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो बाकी गाइस, अगर बात करें इसकी सेटिंग की, तो सेटिंग में आपको तीन सेटिंग, मतलब चार सेटिंग मिलने वाली है, जिसमें ग्राफिक्स की है हाई, मीडियम, लो, और शेडो को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। तो शेडो को मैंने ऑन करा हुआ है तो ये काफ़ी रियलिस्टिक लगेगा। वीडियो को थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देख लेना तो ताकि आपको और भी अच्छे से ये दिखे। बाकी स्टीयरिंग के आपको कंट्रोल्स मिलते हैं इसमें, आपको और भी कंट्रोल्स मिलने वाले हैं इन फ्यूचर, तो उसमें अभी और आगे अपडेट आएंगे तो वो और बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो गाइस, इसमें सेटिंग में आपको यही चीज़ें मिलती है। सो गाइस, सेटिंग में आपको यही ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ इसमें गैरेज की, तो गैरेज में आप देख सकते हो, गैरेज में आपको स्किन्स का ऑप्शन मिलेगी इन फ्यूचर, तो अभी तो नहीं मिलने वाले क्योंकि ये अभी टेस्टिंग पर्पस पे। तो यहाँ पे आप रीसेट करो सकते हो। बसेस आपको यहाँ पे गैरेज पे मिलेंगी, अलग अलग बसें, तो देखते हैं वो इन फ्यूचर कैसे होने वाला है। एंड मुझे तो पता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। बाकी गाइस, आपको इसमें ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, तो ड्राइव जैसे आप करोगे तो आप पहुँच जाओगे करियर वाले सेक्शन में। बाकी आपको इसमें कोई और चीज़ें फीचर नहीं मिलता। बाकी गाइस, आप इनको ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको इनके बारे में और इनके और अपडेट मिलते रहेंगे गेम से रिलेटेड, और मैं भी इस गेम से रिलेटेड आपको अपडेट देता रहूँगा। बाकी गाइस, ड्राइव जैसे आप क्लिक करोगे तो ड्राइव के बाद आप पहुँच जाओगे इसके स्टार्टिंग गेम खेलने वाले सेक्शन पे। तो बात करें यहाँ पे, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। अब ये ओपन होने में क्यों इसलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी टेस्टिंग पर्पस पे, तो जैसे जैसे ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो ये फटाफट खुल भी जाएगा। तो अभी टेस्टिंग में तो इसलिए थोड़ा सा इसमें इशू आएगा आपको, ओपनिंग टाइम पे थोड़ा टाइम ले लेगा। बाकी गाइस, आप इसका इंटरफेस देख सकते हो, जब लोडिंग ले रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अगर मैं बात करूँ इसमें, आपको पूरा इंडियन फील आने वाला है, जो कि सबसे बढ़िया मेरे को लगा। तो गाइस, जैसे ही लोडिंग हो जाता है तो मैं आपको फिर मिलता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो लोडिंग हो चुका है, बस आ चुके हैं हम बस के अंदर। बाकी आप गाइस बस का इंटीरियर देख सकते हो, बस का इंटीरियर बहुत सही है, कैमरा 360 बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही सही तरीके से वर्क कर रहा है। बाकी आप इसकी सीट देख सकते हो, एकदम ब्रांड न्यू बस आपको इसमें मिलने वाली है, क्योंकि ब्रांड न्यू गेम है तो ब्रांड न्यू चीज़ें होनी चाहिए। बाकी साइड व्यू मिरर्स आप देख सकते हो, इसका फ्रंट आप एंगल देख सकते हो, ड्राइविंग वाला काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी आप पूरा 360 व्यू पीछे का देख सकते हो, इसकी सीट्स वगैरह भी काफ़ी सही हैं। कैमरा एंगल की बात करूँ तो कैमरा एंगल इसमें आपको 5 मिल जाते, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ एंड ये फिफ्थ, तो 5 कैमरा एंगल आपको मिलने वाले हैं इसमें। बाकी 360 कैमरा आपको एक मिल जाता है इंटीरियर के बाद। एंड आप यहां से इसका लुक देख सकते हो, एकदम यूरो ट्रक सिमुलेटर वाला मॉड लग रहा है, मतलब बस का मॉड। बाकी गेम भी आपको वैसे ही मिलने वाला है थोड़ा फ्यूचर में, जब तक ये और ज़्यादा अपडेट इसमें आने जाए, तो धीरे धीरे जैसी अपडेट आएंगे देखते हैं ये कैसा होने वाला है। एंड अभी ही ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है एंड बहुत ही रियलिस्टिक है। बस का फ्रंट ग्लास देख सकते हो, कितना रियलिस्टिक लग रहा है, एकदम रियल लग रहा है। मैं इसको फुल हाई सेटिंग्स में खेल रहा हूँ, इसलिए ये इतना ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है।
तो गाइज आप इसके रिम वगैरह देख सकते हो, बस के रिम वगैरह काफ़ी बढ़िया है। बस स्टैंड देख सकते हो, यहाँ पे आपको इंडियन बसेज मिलने वाली है, पूरा आपको इंडियन फील मिल जाता है। बिल्डिंग्स हो गई, दुकानें हो गई, सब कुछ आपको इंडियन फील देने वाला है। बाकी अगर कंट्रोल्स की बात करूँ तो इसमें आपको हाइड करने के कंट्रोल मिल जाते हैं, पूरा आप सिस्टम पूरा एनिमेशन वाला जितना भी स्टीयरिंग वगैरह है सब कुछ हाइड कर सकते हो। तो उसका आपको मीडियम हाई जैसे बस इंडोनेशिया में वैसे ही आपको इसमें मिलने वाला है। बाकी इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, तो गियर ब्रेक और न्यूट्रल का आपको इसमें मिल जाता है, ऑटोमेटिक ड्राइव नॉर्मल मतलब सॉरी न्यूट्रल एंड रिवर्स का। तो गाइस अगर मैं बात करूँ इसके इंजन साउंड की, तो यार इंजन साउंड जो है इसमें और वैसे साउंड वो भी काफ़ी अच्छे एंड काफ़ी सही है। बाकी अब हम कर रहे हैं इसको ड्राइव और देखते हैं हम ये कैसा चल रहा है। बाकी इसमें आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, हैजार्ड लाइट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। बाकी आप इसका हॉर्न सुन सकते हो, आपने हॉर्न सुना होगा, हॉर्न आपको पूरा इंडियन फील मिलने वाला है, इंडियन फील वाला। बाकी आप बस देख सकते हो, बस रोड पे निकलती है काफ़ी बढ़िया है। साइड में आप देख सकते हो अशोक लेलैंड, इंडियन व्हीकल्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। बस स्टैंड के बाहर आपको पूरी इंडियन फील मिल जाती है, बिल्डिंग्स हो गई। साइड में गाइस आप इसके बिजली के खंभे देख सकते हो, वो भी आपको एकदम रियलिस्टिक मिलने वाले, तारे वगैरह। और उसका शेडो आप देख सकते हो, पेड़ की शेडो देख सकते हो, वो काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी बढ़िया। बाकी गाइस आप इसका ये देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो गाइस इसका ट्रांसफार्मर, ये भी एकदम इंडियन वाला आपको मिलने वाला है। बहुत सही ये चीज़ मेरे को इसमें लगी। बाकी गाइस आप बस का लुक देख सकते हो, चलते हुए गेम के ग्राफिक्स देख सकते हो, एकदम रियलिस्टिक हैं एंड एज एन फोन के अकॉर्डिंग काफ़ी सही है। हाँ ये है कि ये गेम थोड़ा हैवी होने वाला है मुझे ये लगता है, तो देखते हैं वो कैसा होगा। बाकी आप छोटा हाथी, नारियल के पेड़ आपको इसमें खूब मिलने वाले हैं, बस चलने में काफ़ी सही है। एंड इसमें आपको लाइटिंग का भी ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ हैजार्ड लाइट का ऑप्शन मिलता है एंड साइड इंडिकेटर एंड राइट इंडिकेटर का, लेफ्ट और राइट वाले का, और हॉर्न का एंड टोइंग का आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है। बाकी गियरिंग की बात करें तो ऑटोमेटिक गियर हैं, नीचे आपको गियर पता लग जाएगा कि कौन से गियर पे बस चल रही है एंड कितनी स्पीड है उसकी और उसका आरपीएम, तो ये इसमें आपको मिल जाता है गाइस फीचर्स और मतलब इसके गेम के इंटरफेस। बाकी गाइस अगर बात करें हम इसके साइड घर वगैरह की, तो पूरा केरल फील आपको इसमें मिल जाता है एंड इसमें आपको बस स्टैंड देखने को देख सकते हो, आपको साइड में एक बस स्टैंड देखने को मिल जाएगा। बाकी फोर्स ट्रैवलर साइड में खड़ी हो रही है, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी सही लग रही है। काश ये आगे आने वाले इन फ्यूचर में इसमें मॉड ऐड करने के फीचर भी हों, तो सच में गाइस बहुत मज़ा आएगा इसे खेलने में। जैसे बस सिमुलेटर इंडोनेशिया है बिल्कुल अगर वैसी हो गया तो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है एंड इंडिया इंडियन फील मिलेगा तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये इंडिया बेस्ड बनाया गया है तो इसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इसे खेलने में। तो बाइक है, बाकी का जैसे बस की कंट्रोलिंग्स की बात करें तो गेम की कंट्रोलिंग और बस की कंट्रोलिंग भी काफ़ी सही है, एकदम मतलब इतना वो भी नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। कंट्रोलिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, गेम की सेंसिटिविटी वगैरह भी काफ़ी सही है, एकदम रिस्पॉन्सिव है और ग्लिच वगैरह कुछ नहीं होता, एकदम स्मूथ अभी चल रहा है। तो और धीरे धीरे जो अपडेट होते हैं देखते हैं वो कैसा होता है। बाकी मैं यहाँ ठोक गया अशोक लेलैंड का, आप वो देख सकते हो दोस्त। तो अब मैं कर लूँगा रिवर्स, ये मेरे को जाने नहीं देगा। तो भाई मैंने कर दिया रिवर्स और उसको दूसरे डायरेक्शन में भेज दिया, तो मुड़ कर वापिस आ गया है शायद। हाँ तो वो मुड़ के गाइस वापिस आ गया था, आपने देखा होगा। तो कैमरा एंगल आप देख सकते हो, इंटीरियर के थ्रू इसकी ड्राइविंग देख सकते हो, काफ़ी सही है एंड स्टीयरिंग भी आपको अशोक लेलैंड का मिल जाता है इसमें। और 360 की सेंसिटिविटी भी काफ़ी अच्छी एंड काफ़ी बढ़िया मेरे को लगी। बाकी आप ओमनी वगैरह देख सकते हो, इंडियन व्हीकल आपको इसमें मिल जाते हैं क्योंकि इंडियन मोड ही है, मतलब इंडियन गेम है तो इसीलिए मोड निकल रहा है मेरे से, क्योंकि मैं बस सिमुलेटर इंडोनेशिया खेलता हूँ इसलिए ज़्यादा। सो गाइस अगर ओवरऑल गेम की बात करें तो गेम सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही सही है, लुक में भी काफ़ी अच्छा है, रियलिस्टिक है दिखने में एंड अगर बात करें इसकी कंट्रोलिंग वगैरह भी काफ़ी सही है, ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं एंड मॉड एकदम मतलब जो बस वगैरह है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है कि इतनी रियलिस्टिक आपको बस मिल जाती है इसमें, ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी एंड सबसे बढ़िया लगी। बाकी टोइंग का आप देख सकते हो, जैसे आप टो पे क्लिक करोगे तो आप अगर कहीं फंसते भी हो तो एकदम रोड पे आ जाते हो, ये काफ़ी सही है। तो ओवरऑल मॉड गेम काफ़ी अच्छा है, आप इसे खेल सकते हो। खेल कहना कैसे, तो खेलने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसके डिस्क्रिप्शन में, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक और आप जाके वहाँ से कर सकते हो इसे डाउनलोड।
तो अगर आपको गेम अच्छा लगा होगा तो यार वीडियो अच्छी भी लगी होगी तो वीडियो क्लिक कर देना गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन गाइस जरूर प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे और गेम की वीडियो और रिव्यू की वीडियो आपको मिलती रहे। बाकी आप मॉड भी चाहते हो कोई बस आईडी का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो मुझे वहाँ जाके फॉलो कर लेना ताकि आप ऐसी और गेम से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिस ना करो। बाकी गाइस इससे रिलेटेड मैं अपडेट आपको इंस्टाग्राम पर भी देते रहूँगा तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। बाकी गाइस अभी मैप ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैप छोटा ही है, तो देखते हैं ये कितना बड़ा होने वाला है आगे एंड इसके अपडेट्स क्या रहते हैं। तो फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे। होप करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को गाइस ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को गाइस जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन गाइस जरूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अगले मार्ट एंड अगली वीडियो में।